हेलो एवरीवन, लास्ट टू वीडियोस में हम यूनिवर्स के ओरिजिन और स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और अपने सोलर सिस्टम के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गैलेक्सीज के अंदर प्रेजेंट नेबुला में फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का, और अब इन्हीं में से एक स्टार के अंदर फॉर्मेशन होगा प्लैनेट्स का। पर कैसे? हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन मेनली तीन स्टेजेस में हुआ है। स्टेज वन, जैसा कि हम जानते हैं, नेबुला के अंदर गैसेस के लंप्स यानी इकट्ठा होने से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। स्टार के अंदर मैटर्स और गैसेस के एक्यूमुलेट होने की वजह से इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने लगा, जिससे ये स्टार और ज़्यादा मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, और इसी वजह से इस स्टार की डेंसिटी बढ़ने लगी, जिससे इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ कोर का। कोर के डेवलप हो जाने से डेंसिटी, प्रेशर और ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे इस स्टार के चारों ओर गैसेस और डस्ट पार्टिकल का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा, जो लगातार रोटेट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये होगा कोर और इसके चारों ओर रिवॉल्विंग गैस बनना शुरू होगी। स्टेज टू, समय बीतने के साथ साथ ये गैस का क्लाउड कंडेंस यानी ठंडा होने लगा, और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के चारों ओर प्रेजेंट मैटर्स छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डेवलप होने लगे, जो लगातार इस डिस्क के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे थे। इन ऑब्जेक्ट से और ज्यादा मैटर्स जुड़ने लगे, और इस प्रोसेस को कहा गया प्रोसेस ऑफ कोहेंशन। और इसी प्रोसेस की वजह से प्लैनेटिज्मल फॉर्मेशन हुआ। प्लैनेटिज्मल से हमारा मतलब है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से स्टिक कर रहे थे, जिससे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ, बट अभी भी ये पूरी तरह प्लैनेट्स नहीं बने थे। स्टेज थ्री, इस स्टेज में शुरू हुआ प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन। एक्रिएशन से हमारा मतलब है उन्हीं स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स पर परतें जमना शुरू हुई, जिससे ये लार्ज बॉडीज में कन्वर्ट होने लगी, जिन्हें आज प्लैनेट्स कहा जाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो ये कुछ ऐसा होगा, गैलेक्सी के अंदर बने लोकलाइज्ड लंप्स ऑफ गैसेस जिन्हें स्टार बोला गया, स्टार के अंदर बना कोर और कोर के चारों ओर बना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कोर से कुछ पार्टिकल्स टूटे और गैसेस के पार्टिकल्स जुड़े जिनसे प्लैनेटिज्मल बने, और इन्हीं प्लैनेटिज्मल के लार्जर बॉडी में कन्वर्ट होने से फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। माना जाता है जिस नेबुला से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ उसका कोलैप्स और कोर बनना शुरू हुआ करीब 5 से 5.6 बिलियन ईयर अगो। हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ करीब 4.6 बिलियन ईयर अगो। हमारे सोलर सिस्टम में शामिल है सन, जो कि मेन कोर था, 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, डस्ट ग्रेन और गैसेस। इन 8 प्लैनेट्स में से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स लाई करते हैं सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच। एस्ट्रॉइड्स की ये बेल्ट लाई करती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और बाकी 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, जिसमें शामिल है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन प्लैनेट्स को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल और गैसियस प्लैनेट। पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में। ये वो प्लैनेट्स हैं जो रॉक और मेटल से बने हैं और जिनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये वही 4 प्लैनेट्स हैं जो मौजूद हैं सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अदर 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। जोवियन मींस जुपिटर लाइक। ये वो प्लैनेट्स हैं जो मेनली हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस से बने हैं। इनका साइज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है, और इनका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी थिक है। इन सभी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सेम पीरियड में करीब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। अगस्त 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट भी था, प्लूटो, पर 24 अगस्त 2006 में प्राग में हुई एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में साइंटिस्ट ने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के चारों ओर ऑर्बिट यानी एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करती है, और ऐसा करते समय अपने रास्ते में आने वाले सभी स्मॉलर बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींचती है, जिससे वो अपने ऑर्बिट को एकदम क्लीन रखती है। पर प्लूटो ऐसा नहीं कर पाता था, और इसीलिए उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। बट 2006 में हुई इस मीटिंग में साइंटिस्ट के बीच काफी हीटेड डिबेट्स भी हुए, क्योंकि सभी साइंटिस्ट इस नई डेफिनेशन से अग्री नहीं करते थे। ये तो बात हुई प्लूटो की। अब जरा बात करते हैं कि इनर प्लैनेट्स रॉक जबकि आउटर प्लैनेट्स गैसियस फॉर्म में क्यों है। इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि इनर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सन के काफी नजदीक होना और आउटर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन
सन से काफी दूर होना। इनर प्लैनेट्स पर सन की लगातार हीट बढ़ती रही जिससे इन प्लैनेट्स पर मौजूद गैसेस कभी कंडेंस नहीं हो पाए, जबकि आउटर प्लैनेट्स के सन के दूर होने की वजह से गैसेस कंडेंस होकर उन पर जमने लगी और इन प्लैनेट्स का साइज बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बड़ा होता गया। नंबर 2, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पर सोलर विंड का काफी इंटेंस होना जिसे इन प्लैनेट्स के सॉलिड पार्ट जिसे कोर कहा जाता है उस पर मौजूद गैसेस ने उड़ना शुरू कर दिया, जबकि आउटर प्लैनेट्स पर ये गैसेस टिकी रहीं। नंबर 3, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का साइज छोटा होने की वजह से इन प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल भी कम था जिससे ये गैसेस को होल्ड नहीं कर पाए, जबकि आउटर प्लैनेट्स का साइज बड़ा होने की वजह से इन प्लैनेट्स ने गैसेस को होल्ड करके रखा। इन रीजंस की ही वजह से इनर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन रॉक और आउटर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन गैसेस से हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।